नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा और जिसकी आवाज ही उसकी पहचान थी वो अब हमारे बीच नहीं रही। भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी संगीत से सबका दिल जीतने वाली भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ और उनका निधन 6 फरवरी 2022 रविवार के दिन हुआ, जिसके बाद से ही पूरी देश में सन्नाटा पसरा हुआ। लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गायिका का जादू अब भी बरकरार है। मधुर स्वर और आवाज की वो कशिश का जादू ही था कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था। आइए जानते हैं उनसे बड़ी एक और कहानी। सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाना गाने के लिए दर्ज कर लिया गया। 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने एडिशन में लता मंगेशकर का नाम सबसे ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज किया था। उस समय उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 25,000 गाने गाए थे। उन्होंने 36 भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। जब कोई अपना रिकॉर्ड तोड़े तो ये कितनी खुशी की बात होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था लता दीदी के साथ, जिनका गाने का रिकॉर्ड उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने तोड़ा था। साल 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड करने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज हुआ और आधिकारिक रूप से यह बताया गया कि उन्होंने 11,000 सोलो ड्यूट और कोरस गाने 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाए। हालांकि अब ये टाइटल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की गायिका पुल्लपक्का सुशीला के नाम दर्ज है।